हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। दोस्तों, आज इस पावरफुल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस ऑप्शन चैन टूल का यूज करके हम लोग बैक टेस्ट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको गो चार्टिंग की वेबसाइट पर आ जाना है। टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट और सेगमेंट रहेगा निफ्टी 50। यहाँ पे आप बार रिप्ले पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिप्ले, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ, ये आपका 8.2 सेकेंड पे एक कैंडल बनेगा। सपोज मान लीजिए ये आज का मार्केट है और आपको नहीं मालूम कि इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आगे का कैंडल सारा गायब हो जाएगा। और ये 9:30 पे आप एडवांस ऑप्शन चैन टूल का जो वेबसाइट है उस पे जाकर यहाँ से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप जब पेड वर्जन लिए रहेंगे तो ये आपका exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा, उससे आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यूज कर सकते हैं। तो इसका हम बैक टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले रिप्ले बार पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे, वहाँ से आगे का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। और 39 पे आएंगे, 39 पे देखेंगे कि यहाँ पे डाटा क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे 3 रेड है, यानी 22,400 रेजिस्टेंस है। जब यहाँ पे जब वैल्यू पे क्लिक करेंगे 22,400 पे, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, एक 22,400 का रेजिस्टेंस रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा, जो एक एवरेज इलास्टिक एंड वैल्यू होता है जो 9:30 के बाद ये जनरेट होता है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके इसका वैल्यू आप पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। सेकंड का भी कॉपी करेंगे पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है। ये आपका कॉल साइड हो गया, ये पुट साइड हो गया। तो 22,350 पे एक दिख रहा है ग्रीन बॉक्स जहाँ बना हुआ है 100%, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर इसका भी वैल्यू पेस्ट करके हॉरिजॉन्टल लाइन पे वैल्यू पेस्ट कर देंगे। फिर तीसरा लगता है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लास्ट यही दिख रहा है कि 22,300 तक अभी तक ये जा सकता है। इसका वैल्यू है 22,286, इसको भी क्लिक करके यहाँ पे उसका वैल्यू इंटर कर देंगे। अब देखिए आपको 9:30 पे देखिए 9:30 पे आपको 4 लाइन मिल गया। ये जो लाइन है ये पुट के लिए है, ये सेफ पुट है। ये है रिस्की, है रिस्की पुट। यहाँ से आपका रिस्की कॉल और यहाँ से सेफ कॉल है। अभी का जो डाटा है उसके हिसाब से अगर वैल्यू वॉल्यूम OI और OI चेंज, इन तीनों में जब डाटा जनरेट होते जाते हैं उसके हिसाब से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं। तो इस समय जो अभी डाटा मिला है उसके हिसाब से यहाँ से सेफ बनता है पुट, यहाँ से सेफ कॉल बनता है।
देखते हैं इसके आगे क्या होता है। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं, ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। ऑटो रिप्ले होता रहेगा, ये जो एडवांस ऑप्शन चेंज टूल है। अभी जो डाटा बन रहा है उसके हिसाब से जो 350 का 380 ये रेजिस्टेंस है और 331 से अभी सपोर्ट बना है, यहाँ से आप कॉल बाई कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पे जाएगा तो यहाँ पे यानी अभी के डाटा के हिसाब से अगर डाटा चेंज होगा तो फिर देखेंगे वहाँ पे एंट्री करना है कि नहीं करना है। ये तो दोनों क्लियर है कि ऊपर वाला जो लाइन है 22434 ये सेफ पुट के लिए है और 22286 जो है वो सेफ कॉल के लिए है। देखिए यहाँ पे लाइन है यानी 10 बजे सिचुएशन क्या हो रहा है, यानी 350 का जो सपोर्ट है 331, यहाँ से देखना है कि मार्क कॉल ले सकते हैं कि नहीं। जब सपोर्ट साइड में जाएंगे इसका डाटा फास्ट चला, इसका थोड़ा स्लो है। ये आया है आपका 10:05 पे। दस पाँच पे देखिए, 10:05 पे ये डाटा जो दिख रहा है उस समय 350 से हमको जो सपोर्ट है 350 का 22231 यहाँ से हम लोग कॉल लेना था। लेकिन लेने से पहले एक बार कंफर्मेशन लेंगे, इस पोर्शन पे जब क्लिक करेंगे यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ग्राफ दिखेगा, वहाँ से क्लियर होगा कि यहाँ से हमको ग्रीन लाइन अगर ऊपर रहेगा तो हमें कॉल लेना है, रेड लाइन नीचे रहे रेड लाइन ऊपर रहेगा तो पुट में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है क्या करना है। तो जैसे 350 का ये सपोर्ट पे आया है 22331, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ग्राफ दिखेगा, आप सपोर्ट साइड से देखना है क्या है। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर है, अब इस जो ग्रीन लाइन ऊपर है इसका मतलब यहाँ से कॉल ले सकते हैं, लेकिन ये कैंडल क्लोज ऊपर देगा तो देखते हैं कैंडल क्लोज ऊपर देता है कि नहीं, नहीं दिया। ये 15 यानी 10:20 हो गया, इसीलिए डाटा ऐसा हो रहा है। दस बीस देखिए आपका 10:07 पे ही यहाँ से रेड लाइन ऊपर चला गया है। ये बार क्रॉस तो हुआ था, ग्रीन लाइन ऊपर गया था लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से रेड लाइन ऊपर चला गया और ग्रीन लाइन नीचे। तो इस कंडीशन में यहाँ से आप पुट ले सकते हैं 10:07 पे, यानी यहाँ से इसके क्लोज के बाद यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ से आप पुट पे जब एंट्री करेंगे ये एंट्री पॉइंट होगा और 20 पॉइंट का इसमें एसएल होता है और टारगेट सेकंड जो सपोर्ट है यहाँ तक का। अब डाटा आगे प्ले करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखना है कि इसके बाद मार्केट और नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कि सपोर्ट आपका स्ट्रांग है तो यहाँ से आप एक कॉल का भी एंट्री बना सकते हैं 22283 से, जो परफेक्ट सेफ है क्योंकि वीकनेस नहीं दिख रहा है 22250 की तरफ। उसके लिए यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीकनेस है कि नहीं है। देखिए वीकनेस नहीं है, बढ़ते क्रम पे नहीं है। डबल कंफर्मेशन के लिए ये जो 22300 है इसका भी ग्राफ देख सकते हैं रेजिस्टेंस की तरफ से क्या हो रहा है।
अभी ये बाय करने का सिंबल नहीं दिया हुआ है, आपको देखना है 10:35 पे। देखिए यहाँ क्रॉस हुआ, अब देखना है कि कहाँ जाता है, ग्रे लाइन ऊपर जाता है कि नीचे। अभी भी रेड लाइन ऊपर है तो एंट्री नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से ग्रीन लाइन ऊपर हो गया है, यानी 10:38 पे यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से अब 20 पॉइंट का SL होगा। बीस पॉइंट का सल और टारगेट यही रहेगा हमारा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी 22,334 से 331 था उस समय ये डाटा के हिसाब से। आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, और इसमें देखिए जो सेटअप बना हुआ है, एक साइड में आपका ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं और एक साइड में एडवांस ऑप्शन चैनल टूल को ओपन करके रख सकते हैं, मतलब दो भाग में स्प्लिट कर दीजिएगा। इससे आप पीएनएल आप नहीं देखेंगे, डर भी नहीं लगेगा, और केवल जो ट्रेडिंग व्यू का या जो भी आपका ब्रोकरेज होगा उसका वेबसाइट पे आके आप इसका यूज करेंगे। और ऐसे जो टूल होता है लॉन्ग पोजीशन टूल और शॉर्ट पोजीशन टूल, इसका यूज करेंगे। लॉन्ग पोजीशन का कब यूज करना है, जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस रख के जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ एंट्री हो जाएगा। और स्टॉप लॉस जो रखना हो अपने स्ट्रेटजी के अनुसार वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख देंगे। देखिए हम 3 ट्रेड लेते हैं क्योंकि दिन का ही 3 ट्रेड ही लेते हैं एक दिन का। तो पहला हम सेफ लिए थे, यहाँ से कॉल बना था जो यहाँ से हमको टारगेट मिला। सेकेंड यहाँ से भी कॉल लिए लेकिन वो SL हिट कर दिया 20 पॉइंट का। फिर उसके बाद दोबारा एंट्री मिला तो यहाँ से हम एंट्री किए, फिर यहाँ से हमको टारगेट मिला, मतलब दो टारगेट और एक SL गया। ये एडवांस ऑप्शन टूल की बदौलत आप भी यूज कर सकते हैं। और फ्री अपकास्ट है, उसमें 3 मिनट डिले होता है लेकिन आपका काम चल जाएगा फ्री अपकास्ट में। यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल गया, नया एंट्री भी ले सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से तो आपका कॉल बनता है डाटा के हिसाब से, यानी 350 का सपोर्ट है, 331, और टाइम हो रहा है आपका 12:05। देखिए ग्रीन लाइन ऊपर है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। अब 20 पॉइंट का ऐसा लगाएंगे जो यहाँ पे दिखा रहे थे, वो SL हिट हुआ। फिर इसके बाद दोबारा देखेंगे कब आया था ये, करीब 12:40 पे। देखिए ग्रीन लाइन ऊपर है तो इस कंडीशन में यहाँ पे दोबारा एंट्री हुआ जो 20 पॉइंट का SL, यहाँ से हमें टारगेट मिला, एक ही फ्लो में टारगेट आपका मिल गया था। एक दिन का 3 ट्रेड है, या प्रॉफिट जाए या लॉस जाए, और रूल आपको ज़रूर फॉलो करना है। आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च मारेंगे AOC कैलकुलेटर ऑप्शन चैन, तो वेबसाइट खुल के आ जाएगा AOC कैलकुलेटर.in। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक भी कर सकते हैं क्विक लिंक के जरिए, और यहाँ पे 3 डॉट है इस पर भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन। जब लॉग इन करेंगे ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसका डिटेल्स
इसका डिटेल्स वीडियो आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।